आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं आम की खट्टी मीठी चटनी। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो जाती है और खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगती है। एक बार आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। इसको आप पूड़ी के साथ, पराठे के साथ या फिर दाल चावल के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही मज़े लगती है खाने में। चलिए देख लेते हैं हमने इसको कैसे बनाया है। खट्टे मीठे आम की चटनी बनाने के लिए यहाँ पे हमने 1 किलो आम लिया है जिसको हमने छील लिया था, और छीलने के बाद हमने इस तरह से इसको पतला पतला काट लिया। इसको बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं काटना है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं काटना है। आप इसको इस तरह से काट लीजिए। अब आम में यहाँ पे कोई भी आम ले सकते हैं, जो भी आप आम ले, चाहे खट्टा हो या हल्का मीठा आम हो, वो भी आप ले सकते हैं। आप जिस आम में बनाना चाहें आप उस आम में बना सकते हैं। इस तरह से आम को पतला पतला काट लीजिए, बहुत ज़्यादा इसको पतला भी नहीं काटिएगा। इधर हमने एक बर्तन चढ़ा दिया है, इसमें हम 2-4 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे। यहाँ पे हमने रिफाइंड ऑयल लिया है, आप जिस तेल में बनाना चाहें वो तेल ले सकते हैं, पर इसको रिफाइंड तेल में बनाइए तो बहुत सही रहता है, तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा। तो इसमें हम कुछ साबुत मसाला डाल देंगे। यहाँ पे हमने 1 टीस्पून मेथी दाना लिया है, 1/2 टीस्पून हमने हींग लिया है, 1.5 टीस्पून हमने सौंफ लिया है, 1 टीस्पून हमने यहाँ पर राई लिया है, 1 टीस्पून हमने यहाँ पर ज़ीरा लिया है, और 1 टीस्पून ही यहाँ पे हमने कलौंजी ली है, आप इसको मंगरायल भी कह सकते हैं। डाल के हमें इसको अच्छे से तेल के साथ इसको पका लेना है। सही मसालों को हमें तेल में अच्छे से पका लेना है। हमें इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हमारे मसाले अच्छे से तेल में पक जाएं, अच्छे से खुशबू आने लगे। बहुत ज़्यादा आप पकाएंगे तो हमारे मसाले जल जाएंगे। देख सकते हैं हमारे मसाले सभी तेल में अच्छे से कड़क गए हैं, बहुत अच्छी चीज़ में तो खुशबू आने शुरू हो गई है। अब इस स्टेज पर जो हमने आम को अपने काट के रखा है हमें उसको डाल देना है। डाल के हमें उसको चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक इसको अच्छे से हमें मसालों के साथ फ्राई कर लेना है। सारे मसाले भी हमें हमारे आम के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और हमारे आम भी अच्छे से फ्राई हो जाएगा। इस तरह से आप चलाते हुए अच्छे से इसको फ्राई कर लीजिए। 2 से 3 मिनट तक आप इसी तरह से इसको फ्राई कर लीजिए। इधर हमने आम को 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लिया। आप देख सकते हैं मसाले भी हमारे बहुत अच्छे से आम में कोट हो चुके हैं। अब हमें इसको इतना ही फ्राई करना है, इससे ज़्यादा हम इसको नहीं फ्राई करेंगे। अब इसमें हम 1.5 कप पानी डाल देंगे। यहाँ पे हमें 1.5 कप पानी डाल देना है। इसी के साथ यहाँ पे हम कुछ ड्राई मसाले इसमें डाल देंगे, इसको हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। फ्लेम को यहाँ पे हमने मीडियम टू लो रखा हुआ है। यहाँ पे हमने 1 टीस्पून जो है ब्लैक नमक लिया है, और 1 टीस्पून ही हमने इसमें नमक लिया है। नमक जो है आप अपने स्वाद अनुसार ले लीजिएगा, जितना आपका जो है आम रहेगा उस हिसाब से आप नमक ले लीजिएगा। यहाँ पे 2 टीस्पून हमने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर लिया है, यहाँ पे हमने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है। ये तीखा नहीं होता पर इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है। और 1 टीस्पून ही इसमें हमने चाट मसाला पाउडर डाल देना है, और 1/2 टीस्पून ही यहाँ पर हमने गर्म मसाला पाउडर लिया है, और इसी के साथ ही हम यहाँ पे फूड कलर डाल देंगे। यहाँ पे हमने 1 पिंच फूड कलर लिया है, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, पर इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है। इसको डाल देंगे, डाल के सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। यार हमने सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसको हम लीड लगा के 5 से 8 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने देंगे ताकि आम हमारे बहुत अच्छे से पक जाए। जब तक आम हमारे गल नहीं आते तब तक हम इसको अच्छे से पका लेंगे। फिर हमारे आम को पकते हुए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से हमारे आम पक चुका है और बहुत ही अच्छे से ये गल भी चुका है। हमें आम को इतना पकाना है ताकि हमारा आम जो है एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाए और अच्छे से गल जाए। अभी ये हमारा आधे से ज़्यादा आम गल चुका है, अभी इसको हम और पकाएंगे तो ये हमारा आम और गल जाएगा। इधर हमने यहाँ पे गुड़ लिया, जितना हमारा आम था हमें उसका आधा गुड़ लेना है। यहाँ पे हमने 1 किलो आम लिया था तो यहाँ पे हमने 1/2 किलो इसमें गुड़ लिया है। आप चाहे तो इसकी जगह पे शक्कर भी डाल सकते हैं, जैसे आपका आम रहे जितना खट्टा रहे उस हिसाब से आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। हमें इसको डाल देना है, डाल के सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे, और फ्लेम को यहाँ पर हमने मीडियम टू लो रखा हुआ है एकदम, ताकि हमारा गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। इसी तरह से आप जितना मीठा खाना पसंद करते हैं आप उस हिसाब डालिएगा। अगर आपको और मीठा खाना है तो आप इसमें और क्वान्टिटी इसकी बढ़ा सकते हैं। इस तरह सभी चीज़ों को हमने मिक्स कर दिया है। इसको हम लीड लगा के इसी तरह से मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे जब तक हमारा गुड़ मेल्ट नहीं हो जाता है। इधर हमारे गुड़ के साथ आम को पकते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं हमने फ्लेम को मीडियम टू लो कर रखा था और हमारा गुड़ बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुका है। इस तरह मेल्ट होने के बाद ये बहुत ज़्यादा पतला भी हो गया है। अब इसको हमने फ्लेम को हाई कर देना है और हाई फ्लेम पर हमें इसको अच्छे से भून लेना है। इसको जब तक ये थोड़ा ठीक नहीं होता है, बहुत ज़्यादा हमें इसको एकदम सूखा भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा हम इसको पतला भी नहीं रखेंगे। इसको हम थोड़ा सा इसको हाई फ्लेम पे पका लेंगे
ताकि ये अच्छे से ठीक हो जाए। और हमारा आम तो बिल्कुल अच्छे से ही गल चुका है। फ्लेम को यहाँ पर हमने हाई कर रखा है और हाई फ्लेम पे हम इसको अच्छे से चलाते हुए पका ले रहे हैं। अब देख सकते हैं हमारे आम भी बहुत अच्छे से पक चुके हैं, एकदम यहाँ पे ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं और एकदम अच्छे से ये गल भी चुके हैं। अब ये देख सकते हैं कितने अच्छे से ये कट जा रहे हैं, बहुत ही अच्छे से ये एकदम गल चुके हैं। इसी तरह से हमारी आम की खट्टी मीठी चटनी एकदम बन के तैयार है। आप इस चीज़ भी चाहें तो इसमें नमक मिर्च वगैरह भी चख सकते हैं, आप अगर कम लगे तो आप इसमें और डाल लीजिए, पर हमारा इस स्टेज पे एकदम सही है। बस तो हम थोड़ा सा और ठीक कर लेंगे। एक मिनट हो गया हमें इसको हाई फ्लेम पे पकाते हुए, आप देख सकते हैं ये पहले से बहुत अच्छे से ठीक हो चुका है। अब इसको 2 से 3 दिन तक के इसी तरह से आप इसको स्टोर करके रख भी सकते हैं। आप इसको पूड़ी के साथ, पराठे के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही मज़े का लगता है ये खाने के लिए, अगर आप इसको ज़्यादा दिन के लिए स्टोर करना चाहते हैं। इसी के साथ ही हम यहाँ पर 1 टीस्पून इसमें विनेगर डाल देंगे। अब विनेगर डालने से इसका जो फ्लेवर भी इन्हेंस हो जाता है और इससे जो है हमारा आम की चटनी बहुत दिन तक आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। आप इसको 15 से 20 दिन तक के एयर टाइट कंटेनर में आप इसको स्टोर करके फ्रीज में रखिए, ये आपकी सही रहेगी और बहुत ही मज़े की ये बनकर तैयार होती है। अब देख सकते हैं एकदम हमारी चटनी एकदम बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद इसको हम एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके इसको हम रख देंगे। देख सकते हैं कितनी आसानी से हमारी चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। एक बार आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा।